ब्रेकिंग स्टोरी आपको बता दें कि आज से दोनों डिप्टी सीएम फील्ड में उतरेंगे और जनता के द्वारा कार्यक्रम के जरिए अब आपको नजर आएंगे सभी डिप्टी सीएम और इसके अलावा सभी कैबिनेट के मंत्री, और शुक्रवार से लेकर रविवार तक जनता के बीच रहेंगे, उनकी फरियादें सुनेंगे, उनकी समस्याएं निपटाएंगे। ये बाकायदा एक विजन तैयार किया गया, एक मिशन तैयार किया गया है जिसके जरिए सभी मंत्री अब फील्ड में रहेंगे। तो आज से सरकार जनता के द्वारा अपने टीम के साथ फील्ड में, दोनों डिप्टी सीएम शुक्रवार से रविवार तक सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम में रहेगी। सरकार की योजना और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। ज्यादातर मंत्री बृहस्पतिवार देर रात ही संबंधित जिले में पहुंच चुके हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ आपको बता दें, हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, आज से मंत्री डिप्टी सीएम फील्ड में उतरेंगे और नजर आएंगे जनता के बीच। देखिए, बिल्कुल, आज से जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने मंडलों में जाकर जो है बतौर प्रभारी जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। 3 दिन तक लगातार जो है ये प्रवास चलेगा। शुक्रवार से लेकर रविवार तक का समय जो है वो तय किया गया है प्रवास के साथ, और दोनों डिप्टी सीएम भी प्रवास में रहेंगे। खास बात ये है कि दोनों डिप्टी सीएमों के साथ और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ एक टीम बनाई गई है, और ये टीम औचित निरीक्षण भी करेगी, इसके साथ संबंधित अधिकारियों से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक करेगी, इसके साथ ही विकास कार्यों का जायजा लेगी, बाकायदा फीडबैक लेगी, संगठन के लोगों से मुलाकात करेगी, वहाँ के जो क्षेत्र के विधायक होंगे उनसे मुलाकात करेंगी, और उसकी रिपोर्ट को तैयार करने के बाद 15 मई तक, चूँकि देखिए 15 मई की एक डेडलाइन दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और उस 15 मई तक जो रिपोर्ट है अपने अपने मंडल की, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये प्रवास जो कार्यक्रम है वो आज शुरू हो चुका है, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज से यूपी सरकार जो है वो जनता के द्वार पर मौजूद होगी। जनता अपनी समस्याएं बता सकेगी मंत्रियों को, और मंत्री संबंधित जनता से बातचीत करने के बाद जो समस्याएं होंगे उनका निस्तारण करने के साथ साथ उनको बकायदा नोट करेंगे, जो मुख्यमंत्री लेवल पर से जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।